बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथ 101, लेक्चर नंबर 14, टेंजेंट लाइन एंड रेट्स ऑफ चेंज। सबसे पहले इसमें हम टेंजेंट लाइन की बात, आपको याद होगा कि मैंने पहले प्रीवियस एक लेक्चर था इसका पूरा एक, तो उसमें डिस्कस किया टेंजेंट असल में होता क्या। तो ब्रीफली इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ दोबारा अगेन कि टेंजेंट होता क्या। टेंजेंट असल में आपके पास ये है कि आपको आपके सर्कल या कर्व पे एक किसी एक पॉइंट पे आपके लाइन जो है टच करके जा रही हो, जिस पर तो आपको उसे आप टेंजेंट कह सकते हैं। जस्ट सो इसमें हमारे पास एक दूसरी लाइन भी यूज़ हो रही होगी जिसे हम सीकेंड लाइन कहेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन का भी फार्मूला आपको पता है किस तरह था कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स था। सो इस सीकेंड लाइन में भी तकरीबन यही चीज़ हमारे पास होगी। सो हम डिस्कस करें सीकेंड लाइन असल में होती क्या। जिस तरह टेंजेंट लाइन आपको एक पॉइंट पर कर्व के या सर्कल के टच करके गुजर रही होती है उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। सेम अगर आपकी कर्व को या सर्कल को दो पॉइंट्स पे कोई लाइन टच करके गुजर रही होगी उसे हम सीकेंड लाइन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन था वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये इसका मैं ग्राफ ड्रा किया हुआ था। सो उसका इंटरवल क्या था, उन्होंने खुद बताया एक्स नॉट से लेके एक्स वन तक, जो वाई एक्सिस पे फंक्शन का। सो एक्स एक्सिस पे वो एक्स नॉट से एक्स वन तक था और आपका जो फंक्शन चेंज कहाँ से हो रहा है, एक्स वन से एक्स नॉट की तरफ, ठीक है, एक्स नॉट की तरफ जा रहा। सो अब आपने देखना टेंजेंट लाइन तो आपको ये मिल गई जो पॉइंट पी पे टच करके जा रही है एक पॉइंट पर आपकी लाइन, तो वो होगी आपके पास टेंजेंट लाइन। सीकेंड लाइन वो लाइन होती है जो आपके सर्कल को या आपके कर्व को दो पॉइंट्स पर टच करके जा रही हो उसे हम सीकेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्यू पॉइंट है, ये हमारे पास पी पॉइंट है। ये जो हमारी लाइन है क्यू को भी टच करके गुजर रही है और पी को भी टच करके गुजर रही है। सो अब हम इसे कह सकते हैं ये हमारे पास सीकेंड लाइन है। सो अब इसकी स्लोप का फार्मूला क्या होगा, सेम वैसे ही होगा स्लोप का फार्मूला जिस तरह हमारे टेंजेंट लाइन का था। उसमें भी हमारे पास क्या था, मतलब डेल्टा वाई था और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स था। इसमें भी हम यही चीज करेंगे, डेल्टा वाई इसमें क्या, जो वाई एक्सिस पे आपका फंक्शन कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, एफ ऑफ एक्स नॉट से लेके एफ ऑफ एक्स वन तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ इस दरमियान इसमें चेंज होना। सो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आपका क्या, आपका फंक्शन कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, एक्स वन से लेके एक्स नॉट तक। सो हम कह सकते हैं इसे एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये आपका सीकेंड लाइन के स्लोप का फार्मूला है, जिस सेम वैसे ही है जैसे आपका टेंजेंट लाइन के स्लोप का फार्मूला था। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ये हम इसलिए इधर डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि इसके ना क्वेश्चन हैं एक दो ना बीच में गिवन है, तो सो हमें ना यहाँ पे इसे डिस्कस करना होगा। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, जैसे हम छोटी क्लास में हम पढ़ के हैं फिजिक्स की बुक्स में कि जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं कितने टाइम पे, मतलब टाइम के लिए ऐसे जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी क्या, कि आपका जो स्पेसिफिक टाइम किसी एक टाइम पे आपने देखना है कि आपने मतलब कितना आपका आपने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया या आपके उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम वो वैसी ग्राफ है जिस तरह अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि अब इसमें यह है कि आपका जो टाइम चेंज हो रहा है टी वन से लेकर टी नॉट तक, ठीक है, और जो आपका डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है डी वन से लेकर डी नॉट तक, ठीक है। सो डिस्टेंस आपका वाई एक्सिस पे है, टाइम आपका एक्स एक्सिस पे है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे एक सीकेंड लाइन हम एक ड्रा करेंगे, हम हमारी एक वेलोसिटी हम जहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं डी वन से हम ट्रैवल कर रहे हैं डी नॉट तक हम गए हैं। सो हमें टाइम कितना लगा टी वन से लेकर टी नॉट तक, हमें गिवन इंटरवल के अंदर टाइम देखना, हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया डी वन से डी नॉट तक और टाइम इंटरवल हमारा कितना है टी वन से टी नॉट तक। सो हमारी वो सीकेंड लाइन देखें दो पॉइंट्स को टच कर रही है, टी वन और डी वन को और टी नॉट और डी नॉट को। सो ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। अब हमने इंटरवल के अंदर पहले मैं जनरली एक बात की थी, अब हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर। जिस तरह इस ग्राफ में मैंने बात की एक इंटरवल के अंदर टी वन से टी नॉट तक, मतलब मैं इसे बाहर नहीं जा सकता, मैं इसे एक्सीड नहीं कर सकता। सो अब मैं इंटरवल के अंदर जब बात करूंगा तो जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही जो हमने पीछे लिखे हैं कैसे, एफ ऑफ टी वन हमारा टी वन से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, एफ माइनस एफ ऑफ टी नॉट तक डिवाइडेड बाई टी वन माइनस टी नॉट, मतलब ऊपर y एक्सिस के लिहाज से डेल्टा y, नीचे x एक्सिस के लिहाज से, ये टाइम के लिहाज से हो गया हमारे पास, ठीक है। सेम अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की तो उसमें हम क्या बात करेंगे, हमारे पास जो लिमिट यूज होगी टी वन से टी नॉट तक ही यूज होगी क्योंकि हमारा इंटरवल टी वन से टी नॉट तक है। सो जो हमारे इसका फार्मूला बनेगा वो क्या होगा कि अब वो सेम जिस तरह ऊपर वाला है एफ ऑफ टी वन माइनस एफ ऑफ टी नॉट डिवाइडेड बाई टी वन माइनस टी नॉट। अब हम इसके ऐसे में आते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना है। सो आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब लेकिन अगर आपको साथ ही चीज गिवन है एट एक्स नॉट, अब आपको एक्स नॉट गिवन है। पीछे हमने बात जो मैंने आपको फार्मूला दिखाया वो टी के हिसाब से था या डी के हिसाब से था।
सो वो सिर्फ एक फार्मूला था, उसकी जगह हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं जो हमें उस क्वेश्चन में गिवन हो। सो इसमें अब एक्स नॉट है, सो हम इसे एक्स नॉट के लिहाज से हम इसे देखेंगे। हमने वहाँ पे जो लिमिट जो से टी अप्रोचेज कर रहे थे, ठीक है, इधर हम लिमिट एच अप्रोच कर सकते हैं, मतलब हम लिमिट कुछ भी अप्रोच कर सकते हैं। वो एक सिर्फ एक वेरिएबल था जिसे हमने समझाने के लिए यूज़ किया था, यहाँ पे बेशक आप यूज़ कर रहे हैं इसमें कोई इशू नहीं है। सो हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं लिमिट जो पीछे हमने फार्मूला डिस्कस करके आए हैं, सेम वही फार्मूला आपने जस्ट इधर लिख देना है। वहाँ पे क्या था, एफ ऑफ टी नॉट माइनस एफ एफ ऑफ टी वन माइनस एफ ऑफ टी नॉट, यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट की बात हो रही है। सो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। सो अब आपके पास जो इधर एफ ऑफ एक्स होता था आपके पास, ठीक है, एक्स की वैल्यू इधर क्या, एक्स नॉट की इधर वैल्यू क्या आपके पास, जब मतलब जहाँ जहाँ पे आपका एक्स आ रहा है वहाँ पे आप एक्स नॉट अगर पुट कर दें आपको बनेगा एक्स नॉट प्लस एच का होल स्केयर, क्योंकि जब आप यहाँ पे एक्स नॉट पुट करेंगे तो ये स्केयर है ना, सो आप बनेगा एक्स नॉट प्लस एच का होल स्केयर प्लस वन एज इट इज आ गया, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस एफ एक्स नॉट, इसकी जगह जब हम पुट करेंगे एक्स नॉट प्लस वन आ जाएगा डिवाइड बाई एच, ऐसे ही हमारे पास आ गया। सो हम इसे ओपन करते हैं, एक्स नॉट प्लस एच का होल स्केयर मतलब ये टू ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला बन गया, एक्स नॉट का स्केयर प्लस एच का स्केयर प्लस टू ए बी मतलब एक्स नॉट एच प्लस वन एज इट इज, नीचे उतार लिया ये माइनस, अब अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स नॉट का स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। सो अब जहाँ जहाँ पे एच आ रहा है हम वहाँ पे जीरो पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कोई कहीं हमारे पे कुछ कटिंग वगैरह अगर हो रही है सिंपलीफाई हम कर सकते हैं उसे कर दें। हम दे सकते हैं एक्स नॉट और यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस का एक्स नॉट है, यहाँ पे माइनस एक्स नॉट का स्केयर है। सो ये दोनों स्केयर आपस में एक्स नॉट स्केयर और माइनस एक्स नॉट स्केयर आपस में काट देंगे हम, ये प्लस वन है ये माइनस वन, इन दोनों को आपस में काट देंगे, हमारे पास पीछे बचेगा एच स्केयर प्लस टू एक्स नॉट एच डिवाइडेड बाई एच। अब हम क्या करेंगे, हम एच को कॉमन ले लेते हैं, एच प्लस टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच हो गया हमारे पास, ठीक है, एच एच से कट गया, एच प्लस टू एक्स नॉट हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे कॉमन लेने की वजह क्या आई, एक तो मैं वैसे ही सिंप्लीफाई, क्योंकि मैथ को मैथ में ये कि आपको मोस्ट जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो करें, एक तो ये रीजन मेन है, लेकिन दूसरा आप देखें जब मैं अगर इधर ही अगर एच की वैल्यू मैं जीरो पुट कर दे मेरा डिनोमिनेटर में जीरो आ जाना था, अगेन मुझे दोबारा उन चक्कर जीरो बाय जीरो फॉर्म या वन बाय जीरो फॉर्म मेरी बन जानी थी। सो मैंने उससे बचने के लिए मैंने इधर से एच कॉमन ले लिया, जब मेरा एच नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले एच से कट जाएगा अब मुझे जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बनेगी। सो मेरी अब लिमिट अप्लाई हो सकती है, मैं जब लिमिट अप्लाई करता हूँ एच की जगह जीरो, ये मेरे पास आएगा जीरो प्लस टू एक्स नॉट, सो मेरे पास आंसर है टू एक्स नॉट, या लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो टू एक्स नॉट आएगा। सो क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट टू एट एन आर्बिटेरी पॉइंट। अब उसने कह दिया आर्बिटेरी पॉइंट की बात कर रही है, जिस तरह हमने ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को भी, ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब उसने कहा आपने चेक करना कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपने चेक करना कहाँ पे, आपका जो आपके डोमेन के अंदर चेक करना, फंक्शन के डोमेन के अंदर, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि आर्बिटेरी पॉइंट के अंदर हमने उसे चेक करना है। सो हम उस आर्बिटेरी पॉइंट को अभी जनरली हम उसे कहते हैं ए, मतलब ये हमारे लिमिट को अप्रोच करेगा, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि एक्स अप्रोचेज ए होता है, सो हम इसे कहते हैं ए। सो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए हमारे पास। अब हम क्या कहते हैं हमारे पास जो फार्मूला अगेन वही एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, आपकी लिमिट एक्स अप्रोच ए करेगी। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या, एक्स प्लस टू अंडर रूट, ठीक है, माइनस जब आप ए पुट करेंगे एक्स की जगह ए प्लस अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा एक्स माइनस ए एज इट इज आ गया। अब आप क्या करेंगे, अगर आप देखिए इधर ए की जगह एक्स की जगह आप लिमिट पुट करें ए तो आपका दोबारा वन बाय जीरो या जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी। सो इससे बचने के लिए हमें दोबारा इसे कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं इसकी, मतलब कि हमने इस वाले ऊपर वाले जो आपका न्यूमिरेटर में आपके जो भी आपके वैल्यू आ रही थी उसको प्लस के साथ मतलब अपोजिट साइन के साथ करनी होती है रैशनलाइजेशन, हमने उसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सो जब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप हुआ हुआ ये इन वो आप देख रहे कैसे हुआ, जब मैं इन दोनों को मान लिया देखें दरमियान में से इधर माइनस इधर प्लस है, सो ये मेरे पास फार्मूला बन सकता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। जब ये मेरे पास फार्मूला बन गया ये भी ए है ये भी ए है, ए स्क्वेयर बनेगा ठीक है तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बनेगा एक्स प्लस टू माइनस फार्मूले का आ जाएगा। अब जब मेरे पास बी स्क्वेयर बनेगा ये ए प्लस टू पे भी अंडर रूट है ए प्लस टू पे भी अंडर रूट है, जब इन बी स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास आपका आ जाएगा ए प्लस टू, लेकिन माइनस असल में हमारे पास बाहर था पर जब उसने माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होना इसलिए ये माइनस ए माइनस टू है। सो आपने परेशान नहीं होना कि माइनस आया कहाँ से है, ये माइनस वहां से आया कि जो माइनस बाहर था वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, सो इसलिए माइनस ए माइनस टू हो गया। नीचे हमने एज इट इज जो रकम थी हमारे पास वो वैल्यू मैंने वो लिख ली। अब क्या होगा टू हमारे पास टू से कट जाएगा न्यूमिनेटर में, अब आपके पास बचा एक्स माइनस ए ठीक है डिवाइडेड बाई नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी।
अब x माइनस ए और x माइनस ए डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों आपस में कट जाएंगे। अब हम पीछे सिर्फ आपके पास ये नीचे बचे वन ओवर x प्लस टू अंडर रूट प्लस ए प्लस टू अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट अप्रोच करेंगे एक, अब हम लिमिट को अप्रोच करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हम वैल्यू अगर पुट कर भी दें हमारा आंसर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता। सो मैं पुट करता हूं, अब मैं इसकी जगह अगर एक एक्स की जगह मैं ए पुट कर दूं, ए प्लस टू अंडर रूट प्लस ए प्लस टू अंडर रूट, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या एक किस्म का, ये फॉर एग्जांपल अगर आप समझे ये लिखा हुआ प्लस वन प्लस वन, मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ तो प्लस टू हो जाएगा ना मेरे पास। सो ये चीज़ यही है, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा बनेगा प्लस टू अंडर रूट ए प्लस टू। सो ये मेरे पास आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर थ्री मेरे पास है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, टाइम उसने बता दिया एट टाइम टी, ठीक है। उसका एफ ऑफ टी क्या है, टी स्क्वायर, ठीक है, बता दिया उसने। उसने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपने फाइंड करने, किस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने आपको पहले बताया किसी स्पेसिफिक टाइम पे होगी, वो स्पेसिफिक टाइम उसने बता दिया टी नॉट आपका किसका 4 सेकंड, ठीक है। सो हम वी इंस्टेंटेनियस हम फाइंड करेंगे, मतलब इसके लिए एम सेकंड या एम टेन, मतलब स्लोप हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। सो हम कह सकते हैं लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो, टाइम की बात कर रहे हैं टी वन से लेकर टी नॉट तक चेंज होगी, जिस तरह हमने पिछले ग्राफ में डिस्कस किया था। सो फार्मूला वही एफ ऑफ टी वन माइनस एफ ऑफ टी नॉट डिवाइड बाई टी वन माइनस टी नॉट। अब मेरा जब टी वन क्या होगा, टी वन का स्केयर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब फंक्शन में टी क्या गिवन है, टी स्केयर है। सो ये टी वन का स्केयर हो जाएगा, टी नॉट मेरे पास 4 गिवन है, सो ये 4 का स्केयर हो जाएगा डिवाइड बाई टी वन माइनस टी नॉट, ऐसे ही आ जाएगा। सो टी वन माइनस 4 का स्केयर 16 होता है, आ गया हमारे पास। ये दोबारा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन जाएगा जब मैं अगर इसे 4 स्केयर कर दूंगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, टी वन प्लस 4 यानी कि ए प्लस बी हो गया, टी वन माइनस 4 ए माइनस बी हो गया डिवाइड बाई टी वन माइनस टी नॉट। सो अब क्या होगा मेरे पास, टी वन माइनस टी नॉट, और ये आ गया हमारे पास टी नॉट की जगह मैं 4 पुट कर दिया मैंने। अब टी वन माइनस 4 और ऊपर भी टी वन माइनस 4 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। सो आपका टी प्लस 4 आ गया, टी वन प्लस 4 हो गया। अब मैं टी वन की जगह 4 पुट करूंगा, 4 प्लस 4, अब मेरा आंसर 8 आ गया। सो अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यू प्लस 1 एट एक्स नॉट इज इक्वल 2। सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, आपके पास फार्मूला वही है, लिमिट एच अप्रोच कर रहा है 0 को, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच हो गया। सो एफ ऑफ एक्स नॉट आपके पास क्या आ गया, आपके पास वैल्यू जो आपके पास गिवन होगी वो क्या आ गई आपके पास, एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ टू डिवाइडेड बाई एच। तो जब हम इसको इसका क्यूब लेंगे, क्यों क्यूब क्यों लेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन में एक्स क्यूब गिवन है, इसलिए हम क्यूब लेंगे। एफ ऑफ टू प्लस एच का क्यूब प्लस वन माइनस टू क्यूब, एफ ऑफ टू क्या मतलब टू पुट करेंगे ना इसमें, टू क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एच आ गया। फिर हमने ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपके पास फार्मूला, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब और प्लस वन आपका एज इट इज नीचे आ गया, ये आपके पास माइनस टू क्यूब प्लस वन आपके पास एज इट इज आ गया, जिसे हम 8 प्लस वन हमने लिख दिया नीचे। सो अब हम देखेंगे सुपर वाले को सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 8 प्लस 12 एच प्लस 6 एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस 1 माइनस इनटू 8 प्लस 1। सो जब मैं माइनस इसे मल्टीप्लाई अंदर माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस 9 हो जाएगा मेरे पास। अब हमारे पास क्या आ गया, अब ये 8 और प्लस 1 ये भी प्लस 9 हो गया आपके पास, 12 एच एज इट आ गया, 6 एच स्क्वायर एज इट इज आ गया, एच क्यूब एज इट इज ही आ गया, प्लस 9 और माइनस 9 आपस में कट जाएंगे, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 12 एच प्लस 6 एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई एच। सो अब आप यहाँ से एच कॉमन लेंगे, एच एच से कट जाएगा, 12 प्लस 6 एच प्लस एच स्क्वायर आपकी इक्वेशन बनेगी। अब आप एच की जगह जब जीरो पुट करेंगे, लिमिट जो अब आपने पुट करनी है, सो जब आप लिमिट पुट करें 12 प्लस 6 इंटू 0 0 प्लस एच स्क्वायर है, इधर जीरो पुट करेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो, फिर अगेन 12 प्लस 0 प्लस 0 आपका आंसर जो है 12 आ जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, उसमें द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, टी उसने बता दिया टी है, ठीक है, एट टाइम स्पेसिफिक टी पर टी बता दिया उसने, एफ ऑफ टी आपको उसने बता दिया, टी स्क्वायर वैल्यू फंक्शन आपको गिवन बता दिया उसने। अब उसने कहा एवरेज वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, लेकिन कहाँ पे फाइंड करनी है, अब उसने इंटरवल आपको दे दिया, पहले आपको इंस्टेंटेनियस, जब इंस्टेंटेनियस की बात हो, स्पेसिफिक पॉइंट की बात हुई थी, जब एवरेज वेलोसिटी की बात होगी तो आपकी एक इंटरवल के अंदर बात होगी, तो इसने बता दिया 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के अंदर अंदर आपने एवरेज वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, ये इसका पार्ट नंबर 1 है। सो हम पहले अभी पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पीछे मैंने बताया, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग एन इंटरवल,
क्योंकि अब ये इंटरवल की बात हो रही है, इंटरवल उसने बता दिया आपको ऊपर, डिवाइड बाय टाइम इलेप्स्ड मतलब कितने टाइम के अंदर उसने उस इंटरवल को उस डिस्टेंस को उसने कवर किया। सो मैं कह सकता हूँ ये अगेन वही फार्मूला एफ ऑफ टी वन माइनस एफ ऑफ टी नॉट डिवाइड बाई टी वन माइनस टी नॉट। एफ ऑफ टी वन क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या वो फोर है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा वो टी वन आपका हमेशा फोर होगा, मैक्सिमम टी वन है, क्यों, क्योंकि हमारा इंटरवल जो है टी वन से टी नॉट की तरफ जा रहा है, जिस तरह मैंने पीछे आपको ग्राफ में बताया था कि टी वन से टी नॉट की तरफ हमारा टाइम हम चेक करेंगे। सो सेम इसलिए इसे मैंने टी वन को फोर कह दिया, मैंने एफ ऑफ फोर माइनस टी नॉट को एफ ऑफ टू कह दिया, टी वन माइनस टी नॉट फोर माइनस टू हो गया। अब मैं एफ ओ फोर मेरे पास क्या है, एफ ओ फोर की जब आप वैल्यू पुट करेंगे ये मेरे पास फोर स्केयर नहीं आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरा टी की जगह मैं फोर जब पुट करूंगा तो वो फोर स्केयर ही आएगा। एफ ओ टू मतलब जहाँ पे टी की वैल्यू टू मैं इधर पुट करूंगा ये टू स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू टू था, अभी आगे मेरे पास सिक्सटीन आ गया, फोर फोर जर सिक्सटीन टू टू जर फोर सिक्सटीन माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू, सो मैं कह सकता हूँ ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू आंसर मेरे पास सिक्स आ गया। अगेन इसका पार्ट नंबर बी क्या, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन बाई एक्स वन, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ओवर द इंटरवल फाइव सेवन। कोई चेंजिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, से अब पहले उसने बता दिया था टी इज इक्वल टू सेकेंड और टी इज इक्वल फोर सेकेंड, अब उसने बता दिया फाइव सेवन, लेकिन अब यहाँ पे अपने एक चीज दोबारा जेन में रखनी है, अब ये क्या लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर है, मतलब ये फाइव और सेवन इंक्लूड होगा, स्मॉल ब्रैकेट्स होती है इसका मतलब इंक्लूड नहीं होना था। सो हम देखते हैं हमारे पास वही फार्मूला एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स वन मतलब सबसे पहले एक्स वन आपका सेवन होगा, सेवन पुट किया माइनस एफ ऑफ फाइव डिवाइड बाई सेवन माइनस फाइव, एफ ऑफ सेवन आपके पास क्या आएगा, इधर से देखो वन ओवर सेवन माइनस वन नहीं आएगा, ये ऑप्शन लिख दिया वन ओवर सेवन माइनस वन माइनस, अब आपका एफ ऑफ फाइव क्या आएगा, वन ओवर फाइव माइनस वन आएगा, क्वेश्चन से वन ओवर फाइव माइनस वन कर दिया। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर जो है माइनस वन बाई ट्वेंटी फोर मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा।